हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये लेके आई हूँ चॉकलेट मिरर ग्लेज केक की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी है और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक केक लिया है और इसे चारों तरफ से हमने व्हिप क्रीम लगाई है और इसे हमें व्हिप क्रीम लगाने के बाद 2 घंटे फ्रीजर में रखना है। तो यहाँ पे मैंने केक को अच्छे से प्लेन कर लिया है और इसे हम 2 घंटे फ्रीजर में रखेंगे। अब हमने ली है एक स्टील की डिश और उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर रखा है और इसके ऊपर हम रखेंगे वायर का रैक। और 2 घंटे भी हो गए हैं तो ये जो केक है वो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे भी हम वायर के रैक के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो पैलेट नाइफ से केक की किनारों को लूज कर लेंगे और इसे धीरे से हम वायर रैक के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम चॉकलेट गनाश की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम डालेंगे 1 कप व्हिप क्रीम। आप कौन से भी ब्रांड के व्हिप क्रीम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। व्हिप क्रीम को हमें लो फ्लेम पे गरम कर लेना है और जैसे ही व्हिप क्रीम पिघल जाती है और वो हल्की गर्म हो जाती है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और उसमें सेम कप से 1 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट डालना है। हमारी व्हिप क्रीम हल्की गर्म है तो चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच न्यूट्रल जेल। ये आपको मार्केट में जहाँ पे केक का सामान मिलता है ना उस शॉप में मिल जाएगा इजीली, या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और न्यूट्रल जेल मिलाते ही आप देख सकते हैं चॉकलेट गनाश को अच्छे से शाइन आ गई है और इसे हमें हल्का ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद ही हम इसे केक के ऊपर डालेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर डाल रहे हैं ना तो ये केक जो है वो शाइन कर रहा है और एक्स्ट्रा जो गनाश है वो नीचे निकल रहा है, इसलिए हमने फॉइल पेपर लगाया है ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अब हम इसे टैप करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा गनाश है ये निकल जाए। और आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट मिरर ग्लेज बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे हम एक डिश में ट्रांसफर कर लेंगे। और डेकोरेट के लिए मैंने यहाँ पे चेरी लगाई है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।